So, beta, in today's maths class, we have to solve the question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, पूरी तरीके से समझाया गया था. ये हुआ था कि आप सभी होमवर्क घर से करके लाना. हो सकता है कई सारे बच्चे कर पाए हों, हो सकता है कुछ बच्चे ना कर पाए हों, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है. लैंग्वेज में जब लिखना रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में जो सेंटेंसेस लिखना रहता है, उसमें कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है. तो ऐसे में इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझाऊंगा और फिर से लिखवाता हूँ कैसे लिखा जाता है. तो जिससे आप सभी को वन बाय वन धीमे धीमे आप बार बार देखेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हाउ यू नीड टू राइट द आंसर ऑफ एनी वर्ड प्रॉब्लम, एनी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस. ओके? यस सर. यस सर. ठीक है, तो इसमें एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम लोग फिर से. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर अ माउंटेन पीक. पीक मीन्स, आई होप कि सभी को पता होगा पीक मीन्स क्या होता है. चोटी. सबसे ऊंचाई चोटी. फ्लाइंग मीन्स आपको पता होगा उड़ना. माउंटेन मीन्स भी पता होगा उड़ना. पर्वत. हाइट मीन्स हाइट. पर्वत. हाइट मीन्स, व्हाट डू मीन बाय हाइट? बा ऊंचाई. ऊंचाई. ग्राउंड मीन्स, ग्राउंड मीन्स जमीन. जमीन. ठीक है, अब हम लोग एक सेंटेंस को पकड़ते हैं. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर अ माउंटेन पीक. एक एरोप्लेन क्या है? वो किसी माउंटेन पीक के, यानी माउंटेन की ऊंचाई से, माउंटेन के ऊपर से वो क्या कर रहा है? फ्लाइंग कर रहा है, यानी उड़ रहा है. इफ अगर इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 12,478 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. फ्रॉम द ग्राउंड. 12,478 कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड है. एंड 4,824 meters from the top of a mountain peak. Mountain peak से 4,824 meters है, इसके बीच का जो distance है, height है. और ground से कितना है? Ground से aeroplane के बीच का distance कितना है? 12,478. Mountain peak. Mountain peak का height पूछा गया है. आप मान के चलिए जैसे यही तो आपका ग्राउंड है, ये माउंटेन पीक है और ये एरोप्लेन इतना ऊंचा चल रहा है. तो यहाँ पे दिया गया है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 12,478. यही तो है. yes, और यहाँ पे ग्राउंड से एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस यही तो है. माउंटेन पीक आपका ये है, माउंटेन पीक आपका ये है, यानी यहां से यहाँ का ये डिस्टेंस क्या है? माउंटेन पीक के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 4,824 मीटर. यही तो है. यस सर. अब इसका डिस्टेंस क्या पूछा गया? व्हाट इज द, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक. आखिर माउंटेन पीक का हाइट आपको पूछना है, पूछा जा रहा है, यानी जमीन से जो माउंटेन पीक है इसकी ऊंचाई क्या है, इसका हाइट क्या है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस. यही तो हुआ. तो आपको इसका डिस्टेंस पता है और इसका डिस्टेंस पता है, तो जब इसके में से आप इतना हटा देंगे तो यही इतना तो बचेगा. यस सर. यस सर. इतना भी आप हटा दें तो यही इतना तो बचा. तब यानी टोटल जो था उसमें से इतना जो है कम कर दो. तो कम करते हैं. टोटल कितना कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है टोटल आपका, ये इसमें में से आपको यही तो कम करना है. यस सर. लिखना कैसे? यस सर. लिखना है बस, अब हमें ये करना है. सबसे पहले आपको लिखना होता है, द डिस्टेंस. सबसे पहले आपको पता है आप आंसर कैसे निकालेंगे? आप ये 12,478 में से 4,824 माइनस करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा. ऐसे ही तो है, ऐसे तो करना है. यस सर. यस सर.
आप सिर्फ आंसर लाना होता तब तो आप ऐसे करके सीधा आंसर ले आते, आपका काम हो जाता, मतलब आपका काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर भी लैंग्वेज बेस्ड ही लिखना है तो क्या करेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये आखिर है क्या, ये क्या है, और जो निकाला आपने फाइंड आउट करके तो फिर ये क्या है, ये आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा या हिंदी में लिखना पड़ेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो आपकी बुक इंग्लिश में है तो 12,478 है क्या, जरा ये बताइए मुझे, वही मैं लिख दूं यहाँ पे क्या है 12,478 से एरोप्लेन तक की ऊंचाई। डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड एरोप्लेन, यही तो लिखेंगे। यस सर, यस सर। या हाइट, हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ग्राउंड, ये भी लिख सकते हैं आप। हाइट ऑफ एरोप्लेन, कितना है 12,478 मीटर, ये तो है। अब 12,478 लैंग्वेज लिख दिया, मैंने बता दिया कि 12,478 है क्या, 12,478 क्या है, ये हाइट है, कहां से, किसका हाइट, एरोप्लेन का, कहां से, फ्रॉम ग्राउंड। अब उसके बाद हमें माइनस करना है 4,824, ये आखिर क्या है, व्हाट इज 4,824, ये क्या है, क्या लिखेंगे, the height of and the height of meters from the ground. यहाँ पे क्या लिखा, height of, height of aeroplane, ये 4,824 क्या है, ये भी aeroplane का height है, लेकिन कहाँ से, from माउंटेन पीक, माउंटेन पीक से ही तो है, कितना है 4,824। ये भी मीटर है, अब हाइट यहां पे दोनों हाइट लिख दिया गया, अब इसमें में से जब इतना कम करेंगे तो क्या निकलेगा, आप इसको कम की, यही तो निकालने के लिए, हाइट ऑफ माउंटेन पीक यही तो पूछा गया है, तो यही तो निकलेगा। यस सर। सो हाइट ऑफ किसके यहां से आवाज आ रही है, हाइट ऑफ माउंटेन पीक कहां से, फ्रॉम ग्राउंड, आप लिखना चाहें लिख दें, फ्रॉम ग्राउंड इज क्या होगा 12,478 minus 4,824 minus, क्या आएगा, 8 minus 4 = 4, 7 minus 2 = 5, 14 minus 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 minus 8 = 6, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो 11 minus 4 = 7, m, तो कितना क्या बचेगा, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ द माउंटेन पीक कितना आएगा, कितना आंसर आएगा, 7,654 क्या मीटर, 7,654 मीटर, इसी तरीके से लिखना है, लिख ले जाएंगे सभी लोग। यस सर। अभी नहीं लिख पाए हैं, जब आपका रिकॉर्डिंग जाएगा, अगर आप लोग स्वयं से लिखने का प्रयास करिएगा, लिख पाइएगा तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाइएगा तो रिकॉर्डिंग जाएगा जब, तो रिकॉर्डिंग देख देख करके लिख लेना, समझ लेना, दोबारा समझ लेना, इसीलिए रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया जाता है। ओके क्लास की। यस सर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 9 में किसी को दिक्कत तो नहीं, 9 तो फिलहाल पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। द न्यू क्वेश्चन इज, ऑन अ सर्टेन डे अ साउथ इंडियन आउटलेट इन अ फूड कोर्ट सेल्स फूड आइटम्स
worth 45,280 rupees, while a North Indian outlet in the same food court sell item worth 54,167 rupees. Which outlet makes more money and how much more? Estimate the difference to the nearest thousand. बेटा आप सभी को पता होना चाहिए, सारे एक्सरसाइजेस एक बार ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं बिफोर द समर ब्रेक, फिर भी एक एक करके सारे सॉल्व किए जा रहे हैं जिससे आप सभी को ज्यादातर समझ में आए। जिसका कोर्स पीछे हो, जो नहीं लिख पाया हो, वो अब लिख ले। तो नोट्स आप बराबर बनाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन को आप मिस करें, आप लोग अपना नोट्स ना बनाए। समझ में आया? यस सर। ऑन ए सर्टेन डे, किसी पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है, उस दिन क्या होता है? अ साउथ इंडियन आउटलेट, ये साउथ इंडियन आउटलेट यानी कोई शॉप है, इन अ फूड कोर्ट सेल्स फूड आइटम वर्थ दिस वन। ये साउथ इंडियन आउटलेट है, ये किसी फूड कोर्ट में, मतलब कहीं पे मान लीजिए फूड कोर्ट किससे कहते हैं, जहाँ पे ज्यादातर यानी खाने का आइटम मिलता हो, वहाँ पे ज्यादातर जो आउटलेट है या शॉप्स है या बहुत रेस्टोरेंट छोटे मोटे, यानी एक ऐसे आउटलेट या जैसे है जहाँ पे खाने पीने नाश्ता वगैरह करने के या लाइट रिफ्रेशमेंट के जगह ज्यादा है, शॉप ज्यादा है, वहाँ पे लोग खाते हैं। तो वहाँ पे आपके साउथ इंडियन आउटलेट भी है, नॉर्थ इंडियन आउटलेट भी है। अब ये नाम है अलग अलग, जैसे साउथ के लोग आते हैं तो साउथ इंडियन आउटलेट कर दिए, नॉर्थ के साइड से कोई गया तो नॉर्थ इंडियन आउटलेट हो गया, कोई मुंबई से आया तो मुंबई वड़ा पाव बोल दिया, कोई दिल्ली से आया तो दिल्ली कुछ और बोल दिया, नाम रख दिया। वैसे साउथ इंडियन आउटलेट इज द अनदर शॉप एंड द नॉर्थ इंडियन आउटलेट इज द अनदर शॉप, दोनों अलग अलग शॉप है। क्लियर? यस सर। क्या करता है ये साउथ इंडियन आउटलेट? करीब 45,280 रुपीस के फूड्स को सेल करता है, फूड आइटम को क्या करता है? सेल करता है। सेल करता। कहाँ पे सेल करता है? कहाँ पे सेल करता है? इन अ फूड कोर्ट, कोई एक फूड कोर्ट यानी एक जहाँ पे खाना वगैरह खाना होता है, एक ऐसी जगह फूड कोर्ट में सेल करता है। वाइल, जबकि नॉर्थ इंडियन आउटलेट जो है वो क्या करता है, इन द सेम फूड कोर्ट, उसी जगह पे। मान लीजिए कोई, जैसे आप लोग मेला वगैरह देखे होंगे गांव में लगता है, तो वहां पे कई सारे स्टॉल लगते हैं ना, स्टॉल को ही एक तरीके से आउटलेट बोला जाता है। आप बाजार जाते हैं आपको तो कई सारे स्टॉल लगे रहते हैं, चाट के, टिक्की के, और भी अच्छे अच्छे आइटम के हैं? तो अब कोई दो तीन आइटम है, कोई साउथ वाला है, कोई नॉर्थ वाला है, तो साउथ वाला जो साउथ वाला आउटलेट है वो इतने का फूड आइटम सेल करता है, और नॉर्थ जो नॉर्थ आउटलेट है वो कितने का, ये 54,167 रुपीज का फूड आइटम सेल करता है। किसने ज्यादा सेल किया? हु सेल्स मोर, हु सोल्ड मोर? नॉर्थ ने किया, कितना ज्यादा किया ये भी निकाल लेंगे ना, कितना ज्यादा किया साउथ वाले से, कितना ज्यादा किया है? कैसे निकालेंगे जरा बताइए, हाँ बताइए, मैं नाम लूंगा तब बताएंगे। इतने बच्चे हैं, उसमें से कोई भी नहीं बोल रहा है, दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि 54,167 को 45,280 से माइनस कर लेंगे। कई सारे बच्चे दूसरे का वेट कर रहे हैं, वही वेट ही, आप नहीं बोलेंगे तो आपका कभी रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा। 54,167 में से इतना जब कम कर देंगे तो जो बचेगा उतना ही डिफरेंस अमाउंट है, उतना ही ज्यादा पैसे का सेल करता है। फिलहाल पूछा क्या गया है, पूछा गया है व्हिच आउटलेट मेक मोर मनी, कौन सा आउटलेट ज्यादा मनी मेक कर बनाता है, ज्यादा मनी कमाता है, ज्यादा सेल करता है, कौन सा आउटलेट? सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने पूछा था, व्हिच आउटलेट, आप क्या बोलेंगे व्हिच आउटलेट के जहाँ पे क्या लिखेंगे? Which means क्या होता है? Which means? कौन सा? तो कौन सा यहाँ पे which के जहाँ पे क्या लिखेंगे? कौन सा outlet makes more money? North Indian outlet. क्या लिखेंगे? North. बेटा ऋषभ क्या कर रहे हो आप? ये तुम पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, ये आवाज आ रही है हवा की हमें लग रहा है, ना तो कुछ बोल रहे हो हमें लग रहा है, गेम खेल रहे हो। सचिन शिवा आप दोनों क्या कर रहे हो, आपको आंसर नहीं बताना चाहिए? दिव्यांशी आप भी लोगों की तरह चुप मार के ही पढ़ना चाहती हो, आप भी लोगों की तरह वैसे डल बन जाओगी,
जो बच्चे नहीं बोलते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, जिनको आता नहीं है, जो डल होते हैं, वही नहीं बोलते। बाकी जो बच्चे बोलते हैं भले सही हो या गलत हो, वो तेज हो जाते हैं धीमे धीमे, जो नहीं बोलते वो धीमे धीमे कमजोर हो जाते हैं। तो जब जिसको कमजोर बनना है या जिसको अच्छा मतलब तेज बनना है, वो आप लोग के हाथ में है। जिसको कमजोर बनना है वो मत बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ विच आउटलेट मेक्स मोर मनी? सर नॉर्थ इंडियन आउटलेट। नॉर्थ इंडियन आउटलेट मेक्स मोर मनी। नॉर्थ इंडियन आउटलेट ज्यादा पैसा कमाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर विच की जहाँ पे नॉर्थ इंडियन आउटलेट लिखेंगे ना, लिख ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉर्थ इंडियन आउटलेट के बाद एंड हाउ मच मोर, यहाँ पे पूछा गया एंड हाउ मच मोर, कितना सारा ज्यादा बनाता है। कितना सारा ज्यादा के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। वन मोर थिंग, ये करने के बाद भी आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट थाउजेंड, जो आंसर आएगा उसको आपको एस्टिमेट करना है, कौन सी वैल्यू तक, टू इट्स नियरेस्ट थाउजेंड प्लेस तक। कर ले जाएंगे इसको? यस सर। नियरेस्ट थाउजेंड तक आप लोग इसको राउंड ऑफ कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. एक बार करते हैं, इसे करते हैं, करते हैं। सबसे पहले क्या है, अब सबसे पहले आपको पता है कि इसका आंसर कैसे आएगा। आंसर कैसे आएगा, 54,167 में से 45,280 को माइनस करेंगे, तब पता चलेगा कि कितने का सेल हुआ, कितना पैसा ज्यादा सेल करता है, ज्यादा का सेल करता है, ये पता चलेगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच आउटलेट मेक्स मोर मनी? नहीं रुकिए, अभी काम है आपसे, जैसे 10 मिनट है वैसे 10 मिनट और रुक जाइए, क्लास के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे पूछा गया विच आउटलेट मेक्स मोर मनी, तो यहाँ पे लिखा गया विच के यहाँ पे क्या लिखना है, नॉर्थ इंडियन। सबसे पहले आप ये लिख दीजिए कि कौन सा आउटलेट कितना सेल करता है, नॉर्थ इंडियन आउटलेट कितना सेल करता है, साउथ इंडियन आउटलेट कितना सेल करता है, वो सारा चीजें आपको लिखना पड़ेगा। एज गिवेन, जैसा कि दिया गया है, क्या सबसे पहले साउथ इंडियन आउटलेट है? नॉर्थ इंडियन आउटलेट, साउथ इंडियन आउटलेट क्या करता है? इसके यहां से आवाज आ रही है, सेल्स द फूड, सेल्स फूड आइटम, सेल्स फूड आइटम, यहां पे लिख देते हैं। वर्थ कितना लिखे, एज गिवन, जैसा कि दिया गया है, साउथ इंडियन आउटलेट सेल्स फूड आइटम वर्थ हाउ मच, क्या लिखें? 45,280। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा इंफॉर्मेशन, नॉर्थ इंडियन आउटलेट आइटम्स वर्थ, नॉर्थ इंडियन आउटलेट सेल्स द फूड आइटम वर्थ हाउ मच? 54,267। तो पहला सो नॉर्थ 54,057 नॉर्थ इंडियन आउटलेट सेल्स मोर मनी, नॉर्थ इंडियन आउटलेट नॉर्थ इंडियन आउटलेट मेक्स मोर मनी कितना ज्यादा, ये भी लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, लिख दिया ना, पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या था,
पहले आपने क्या लिखा कि साउथ इंडियन आउटलेट कितने का सेल करता है, नॉर्थ इंडियन आउटलेट कितने का सेल करता है, जो क्वेश्चन में था वही सारी इंफॉर्मेशन लिख दिया। इंफॉर्मेशन लिखने के बाद विच आउटलेट मेक्स मोर मनी, नॉर्थ इंडियन आउटलेट मेक्स मोर मनी। दूसरा क्वेश्चन हाउ मच मोर, कितना सारा ज्यादा, तो 54,180 कितना है, 167 माइनस 40, इसको माइनस करेंगे 54,167 माइनस 45,280 इक्वल टू 7 माइनस 0 इक्वल टू 7, वंस में से वंस माइनस हुआ, टेंस में से टेंस माइनस होगा, 6 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो फिर यहाँ पे कैरी लेंगे यानी कितना हो जाएगा ये 16 में से 8 जाएगा, कितना होगा 8। अब यहाँ पे 1 कैरी दे दिया था तो 0 ही दो बचा, तो 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो फिर इधर से कैरी लेगा, इधर से बोरो लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे एक बोरो दिया था तो 3 बचा, 3 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो फिर क्या करेगा ये फिर कैरी इधर लेगा, बोरो लेगा यानी 10 इधर आएगा 3, 13 माइनस 5 इक्वल टू 8, अब यहाँ क्या बचा था 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, रुपीज का डिफरेंस अमाउंट है। तो क्या कह सकते हैं, नॉर्थ इंडियन आउटलेट नॉर्थ इंडियन आउटलेट सेल्स मोर वर्थ कितना रुपीज का, 8,887 रुपीज लिख ले जाएंगे ना। यस सर, पूरा हो गया या अभी और भी कुछ करना है? एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या एस्टिमेट करना है, जो डिफरेंस है जो आपका अंतर आया है वो क्या है? तो इसका क्या होगा, एस्टिमेटेड estimated estimated amount of 8,887 rupees to its nearest place.